और यान जहर। उठ जा बेटे, स्कूल नहीं जाना, उठ जा जल्दी, उठ उठो, उठ जा, शाबाश। पढ़ते पढ़ते ने बैग तक की सराने रख के उसी तरह से होगा। उठ जा नमाज पढ़, जल्दी उठ, नमाज का टाइम होगा, छेती उठ मेरे बेटा। रिदा नहीं रीजा, उठ गई लीजा फातिमा। अरे वाह, निदा, ये निदा, निदा और जो चंदा, नमाज पढ़ो। नूर उठो, उठ जो, उठ जो, शाबाश, उठो भाई, उठो 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 उठो, मैं कह रही हूँ उठ जो। अच्छा तो जरा सी भी मेरे बहन ही पिया वा, असन बुखार बहुत तेज़ होने आया वा, अड्डे चो बहुत शदीद तबीयत खराब वा, बुखार ना मगन दिया, होंगे मार रहा वा। तो हूँ मैं इन्होंने वास्ते नाश्ता तैयार करती हाँ, तो बच्चे ने स्कूल भी जाना वा, तो नमाज जरा सी बच्चे पढ़ते हैं, मैं नमाज भी पढ़ ली है, यासीन की सूरत भी पढ़ ली है, पढ़ के फिर मैंने उठाण आई है, मैं कह एक दो अपने टाइम पर उठनगे, स्कूल भी सारा दिन जाके बैठना होंगे वा, वो फिर उठ के नमाज पढ़ के फिर अपनी तैयारी कर लेंगे। असन कुछ नहीं लगता, काफ़ी तेज़ बुखार आ, हमने आया फीस लैके नोटे तो, असर अच्छा बहुत तेज़ बुखार आ, बुखार अल्लाह तंदुरुस्ती दे, अल्लाह सेहत दे। चल पहले मैं नाश्ता बनावा तेरे वास्ते, फिर तेन दवाई दिनी है। मौसम जा रहा ना तो जाता जाता हूँ, बुखार सीटूगा बंदे बंदे नू। लीजा फातिमा मेरी देखो, माशाल्लाह बेटी उठ के शहजादी, क्यूट बेबी उठ के अपनी, माशाल्लाह भी नमाज पढ़ के तैयारी करने लग गई है। सब तो पहले बच्चे रूटीन होंगी है, सुबह सुते उठना वा, टू ब्रश ठीक है ना, वाशरूम जाना, टू ब्रश करना, और उस तो बाद वजू करके इन्हें नमाज पढ़ के फौरन अपनी स्कूल की तैयारी कर दे। लीजा सिर वही आँदी अपना, उन्हें अपनी स्कूल की तैयारी करेगी। तो मेरा जुल्कन देखो कैसे सुता पे, वो लीजा तो बैग आ, लीजा इधर मेरे नाल सुती सी, ये देखो किस तरह उल्टा होकर सुता पे। चलो जी मैं नाश्ता फटाफट बना ला, फिर बाकी सारे काम बाद। अच्छा जी नमाज वगैरह पढ़ रहे हैं, तो नमाज पढ़ के उठे हैं, सुबह उठे हैं, सब तो पहले वाशरूम, टू ब्रश, उस तो बाद नमाज, यासीन की सूरत, मैं नमाज पढ़ रही हूँ पढ़ के, तो हूँ मैं अपने बच्चे उठानी हूँ ताकि मेरे बच्चे उठ के नमाज भी पढ़न, स्कूल की तैयारी भी करन। मैं उन्होंने इस दिन जल्दी उठाया कि सारा दिन स्कूल बैठना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सब नीकत दी, आप सब खेरे से होंगे, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, हर आने वाले दुख तकलीफ तो निजात दे सके। अज्जी दुआ नाल अज दा ब्लॉग शुरू करते हैं, शुरू करते चलो जर्ज़ करते हैं, जिहड़े मेरे भैन भी सलाम मिले ने, जिन्हें साडा अज तक ग्रीन चैनल सबसक्राइब नहीं किया, सबसक्राइब करो, बैल आइकन नूं लाजमी प्रेस करो ताकि साडी आने वाली हर नई वीडियो नोटिफिकेशन मेरे भैन भी अपने टाइम तक पहुँच सके। अज की वीडियो में इस तरह जी, एक मेरे भैन का कमेंट आया सी, कहिंदी सी मैं सुबह दी चल के शाम तक रूटीन किया सी, सुबह तो चल के शाम तक रूटीन मेरी भैन जो देखी है कि साडी वीडियो ब्लॉग बहुत लंबा हो जाता वा, तो सानू छोटा छोटा नाल नाल बनाना पैंता वा, ठीक है ना, तो उस दिन भी खाना शाम तक नहीं आ सकता फिर बहुत लंबी हो जाती सी, देखने वाले भैन भाई भी थक जाते हैं। जारी गल इन्ना जी दो जा रहा, हर किसी बंद को टाइम नहीं कि इन्नी ज़्यादा लंबी वीडियो देखे ना, तो इस करके असं अपने भी तरह तरीके बनानी होंगी है, फिर उन्होंने चकना होंगे, एडिटिंग करनी होंगी है, तो बड़ा टाइम लग जाता। तो सुबह की रूटीन यही होंगी कि सुबह जो उठे हैं पहले वाशरूम जाना, फिर उस तो बाद टू ब्रश, वजू करना ठीक है ना, करके वजू, फिर नमाज पढ़नी ठीक है ना, तो यही चीज़ा होंगे वा, तो और ये चीज़ा करते भी हैं। हम मेरे बच्चे उठने, बच्चा उठाने, बच्चे उठने, बच्चे भी उठ के जरा अपनी तैयारी करनी, बच्चों की तैयारी होंगी भी दिखाने, मैं नाश्ता भी बनानी है। अच्छा जी किचन च मैं आ चुकी हूँ, तो हूँ मैं कर दिया नाश्ता तैयार ठीक है ना, तो इधर तवा उत्ते जैन के पापा रख गए ने, इधर चाय पका के रख गए ने, बहुत सारी आदत है सुबह सुबह चाय पी दी दोनों मियाँ बीवी, तो कहते हैं चाय में गर्म कर आ बीबी, मैंने भी देखो चाह पका, चाय पका के फौरन मस्जिद चले गए नमाज़ पढ़ने वास्ते, नमाज पढ़ के आए हूँ कहते चाय गर्म कर, तो सब चाय तो मैं ठीक है, चूल्हा देखो जी कि गंदा है अब कितने का काम करा इन शाला, चाय लैके आए थे जैन के पापा कुरान पाक पढ़ रहे हैं और चाय पीने जी मैम कुरान पाक की तलावत कर रहे बैठ के माशाला इतने, तो बाहर का भी देखते हैं। अच्छा जी देखो माशाला सुबह सुबह का टाइम है, बहुत प्यारा माहौल माशाला, ब्लू ब्लू बदल बहुत प्यारा। अच्छा जी
लीज़ा फातमा जड़ी है ब्रश कर रही है, ठीक है ना। हूँ ब्रश कर लगी हैं? रिदा कदों लगा के दे रही हो? चलो जल्दी करो फिर, ठीक है, करके फटाफट आ जाओ फिर नाश्ता करो, ठीक है ना, आके जल्दी करो। अच्छा जी, रात साग गर्म किया हूँ, साग नाल ही बच्चों ने रोटी देनी है, ठीक है ना। रोटी बनाना स्टार्ट कर दी, चूल्हा चला लेनी, सब तो पहले साग गर्म कर दी उपर रख के ताकि बच्चे टाइम नाल खान ते स्कूल जान। आटा गुन्न के सीगा रात, देखो जी माशाल्लाह नाश्ता बनाने हल्ला करे। अच्छा जी, पेड़ा मैं खा लिया और मैं नाश्ता बना लगी, तवा मेरा गर्म हो रहा, आयल की बोतल भी मैं कोल रख ली है ताकि मैं बनाना स्टार्ट कर। अच्छा जी, रोटी मैं तवे तो पाती है, काफ़ी अरसे तो बाद रोटी बनाई है, तो रोटी मेरे को बहुत छोटी घड़ी गई है, क्यों मैं रोटी मेरे को नहीं घड़ी जाती, मैं बो जो मेरी तबीयत खराब हुई है मेरे ना उंगलियाँ नहीं मुड़दियाँ अच्छे तरीके ना, हाथ नहीं ना इस तरह कर दी तो उंगलियाँ ना होता ना होंगे, बड़ी मुश्किल देना जरा सी रोटी बनाई है, दर्द कर रही उंगलियाँ, तो रोटी तबीयत पाई बहुत छोटी रोटी बनी, तो माशाल्लाह मेरी रोटी बड़ी सारी होंगी है। चलो खैर, बिस्मिल्लाह जी, अल्लाह मंजूर है, कोई बच्चों ने खानी तो है ना, बना रहे बच्चों वास्ते, बच्चे तो खान के अच्छी ऐसी खुशी अज कि साड़ी मम्मा ने नाश्ता बनाया। अच्छा जी, रोटी तैयार हो गई माशाल्लाह, हम आयल लगाने, बिस्मिल्लाह माशाल्लाह, पराठा मेरा तैयार हो गया, क्यों तवा जरा वा ये गैस जेदे इतना वा तवा चूल्हा के इको जगह तो सेक लगा रोटी साड़ दिता, बड़ी त्यात ना पकानी पीती है, तवा भी ऐसे थोड़ा जहा पतला हो बड़ा पुराना तवा वा, मतलब कि लगाई लगा के तवे तो दबा के पकाओ तो बड़ी सोहनी रोटी तैयार हो गई, देखो जी माशाल्लाह। माशाल्लाह जी, नाश्ता देता तीन बच्चों रोटी देती है, तो रोटियां रख दी बैठ के बच्चे खा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी बेगम साहब, नाश्ता बना रहे हो? नाश्ता बस बच्चों का बन गया, मैं कहा लोग ना साग वाला पराठा बना के बन लो, फिर बच्चे के घर आसानी ना खा लेंगे, क्योंकि इन्होंने साग वाला पराठा ना बनते नहीं, लंच बॉक्स में बना के ना वो तैयार कर रही हूँ, हम तो फिर तो खा के नहीं जाते, नहीं चलो मेरे वास्ते बना देना, सैर ते जी अलीजा बेटी ते नूर बेटी नाश्ता कर दे पैन, और इस तो बाद अलीजा फातमा ने तो स्कूल की तैयारी कर ली है, तो रिदा नूर फातमा की तैयारी हरे रही है, जिमें नूर फातमा तैयारी कर लवेगी फिर असं अपने भैन भैन लाजमी शेयर कर दें। हाँ जी अलीजा, मज़ा आ रहा है सुबह सुबह नाश्ते का, यार दिल नहीं कर रहा खाने को, सुबह का टाइम वैसे भी दिल नहीं कर रहा खाना खाने ना, नाश्ता करना फिर स्कूल जाना है इन्होंने, इस वास्ते नाश्ता फिर जिन्ना हो सकता है करके जाना है। मेरा साहब ने नाश्ता लिया था, हूँ कर लगे जी नाश्ता, अजय सारे भैन भी नहीं चलने, वेलकम, अज नाश्ता बेगम साहब ने हथा है, और माशाल्लाह बहुत ही स्पेशल नाश्ता है, पराठा बना के दिता जी बेगम ने साग वाला, सुबह सुबह साग पराठे खाने का अपना एक मजा है जी, और चाय नाल बनती पी, चाय नाल खाने का एक अपना एक स्वाद। अच्छा जी माशाल्लाह, चाय भी मेरी पक चली है, पक गई बल्कि ना चाय मैं पका रही है, तो थोड़ा जिन्हें दुध निकाल के मैं चाय एक गिलास चला लिया,
ਤੇ ਚਾਹ ਪਾ ਲੈਣੇ ਕੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮਾ ਰਹੀ ਆ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇਣੀ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਖਰਾਬ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦੇ ਕੇ ਚਾਹ ਪਾ ਲਈ ਆ ਸਭ ਵਾਸਤੇ ਹੋਰ ਪਾਪੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਸ਼ਾਪਰ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਪਾਪੇ ਹੁਣ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਸਕੂਲ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਲਵਾਂ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਸ਼ਤਾ ਦਿੱਤਾ ਅਸੋ ਨੂੰ ਅਸੋ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਆ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਬੁਖਾਰ ਆ ਇਹਨੇ ਫੀਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਆ ਫਿਰ ਫੀਸ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 5:30 ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਆ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਰਿਦਾ ਫਾਤਮਾ ਨੇ ਸੁੱਤੀਆਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਬਿਸਤਰਾ ਲਪੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਦੋਨੋਂ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਉੱਠ ਗਏ ਹੈ ਅਜਾਨ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਵਾ ਅਜਾਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਅਤੇ ਜ਼ੁਲਕਰਨਿਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੇਟੇ ਐਸੇ ਨਹੀਂ ਖਾਤੇ ਕੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰੋਟੀ ਕੈਸੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਣੀ ਸੀ ਨਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਨਾ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਖਾਣੀ ਸੀ ਖਾ ਲਈ ਆ ਹੁਣ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖੁਸ਼ ਖਾ ਰਿਹਾ ਵਾ ਚੱਲ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਵੇ ਬੱਚਿਆਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਫੀਸ ਦਵਾਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜੈਨ ਦੇ ਪਾਪਾ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹ ਦੇਤੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ੈਨ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਚਲੇ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਲਦੀ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸੱਚ ਨੇ ਨੂਰ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸਕੂਲ ਛੋੜਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਗਿਆ ਚਲੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਲਾ ਪਲੀਜ਼ ਚਲੋ ਜਾਓ ਜਾਓ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਪੁਰਦ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਬਸ ਮੇਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਕੂਲਰ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਅਸਲਾਮ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਲਟਰ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਚਲੋ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਕੂਲ ਨਵੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਿਲ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਵੀ 8 ਵੱਜ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੱਟ ਆਰਾਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕੂਲਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵੀ ਚਾਹ ਪਾ ਕੇ ਪੀਣ ਲੱਗਾ ਵਾ ਚਾਹ ਪੀ ਲਵੇ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਜਾਣਾ ਵਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਦਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਰਤਨ ਮੈਂ ਧੋ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਣਾ ਕਿਚਨ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਕਿਚਨ ਗੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਨਿਬੜਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਝੋ ਸਾਰਾ ਘਰ ਸਾਫ਼ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਰਤਨ ਦੋ ਧੋ ਕੇ ਕਿਚਨ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਰਾਤੀ ਵੀ ਕੁਛ ਇਸ ਕਰਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਾ ਅਤੇ ਵੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਦੀ ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪਰ ਅਗਰ ਰਾਤ ਦਾ ਵੀ ਕੁਛ ਖਾਧਾ ਕੱਲ੍ਹ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਸੁਬਹ ਦਾ ਨਾਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਾਣੀ ਕਿ ਚਾਹ ਚਾਹ ਪੀ ਲਓ ਹੁਣ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਚਾਹ ਪੀ ਲਈ ਅਤੇ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦੋ ਬਰਤਨ ਜੋ ਵੀ ਹੋਏ ਫਿਰ ਦਾਰੀ ਗੱਲ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖੈਰ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲੰਚ ਬੋਕਸ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਚਾਹੀਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬਣ ਲਈ ਦੀ ਆ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤ ਖਾ ਲਈ ਨਾ ਪਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪਕਾਈ ਨਾ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਆ ਜਾਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣਦੀ ਬਣਦੀ ਆ ਅਤੇ ਲੇਕਿਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅਤੇ ਘੱਟ ਹੀ ਖਾਈ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖਾ ਲਈ ਤਾਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਥੱਕ ਗਈ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ ਗਿਆ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮਾਸ਼ਾ ਕਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਸੁਣਾ ਲੈਂਦਾ ਘਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦਾ ਵੀ ਹੱਥ ਹੈ
बच्चे भी, भैन बच्चे भी, सारे बच्चा सुबह नाश्ता देना रोजाना जरा सी शुक्र आप धनबाद चलो अज मैं अपनी जमें ड्यूटी ले मैं बनानी हाँ नाश्ता अज मेरी ड्यूटी सी हर काम जिंदगी का हिस्सा चूल्हा गंदा हो चूल्हा भी साफ करा चूल्हे किचन का काम जो उसे लगता है कि अच्छा रहा वा किचन मेरा साफ सुथरा चंगा लगता वा किचन का काम मेरी मैं किचन के काम चीज कंप्रोमाइज नहीं किया ना अपने मेरे बच्चे मेरी खुद की तबीयत खराब भी हो किचन का काम तो लाजमी है सारी गल जो जितने चीज़ खानी पीनी है वह चीज़ ना साफ होवे तो मज़ा नहीं आता तो खान पीन का जो मामला बड़ा सीरियस है अच्छा जी हो गया तो साफ सारा किचन शर्मा का कपड़ा भी देगा तो चूल्हा जरा मैं साफ हजे नहीं कर रही क्या बिल्कुल इतने ना जम गया जी चीज़ ना तो पहले सुबह थोड़ा सी लेकिन मैं चूल्हा साफ करना से पहले तो यह मेरी गलती क्यों नहीं किया जो कल की गल चूल्हा साफ कर ला दी तो मेरे बच्चा देर हो जाए इस नाश्ते को तो पानी पा मैं छोड़ दिता तेल ये भी फिर बाद करा ठीक है ना फिर सारी गल बच्चे चाय वगैरह बनाते हैं तो खराब हो जाती चीज़ चाय के उपर उड़ती है तो चाय उपर जम जाती है तो पानी पा छोड़ता वा ये होगा बिल्कुल ना चूल्हे छोड़ दिता इतने तो बाकी काम जी माशाला मैं किचन का गया रेड़ चूल्हा जो बाद में करांगी सैट इन शाला फिर इन बाद साफ करूँगी तो अपने भैन भाव को इजाजत चाहते हैं मिला के नैक्सट वीडियो अगर मेरे भैन मेरा ब्लॉग अच्छा लगे पसंद आए लाइक शेयर जरूर कर देना अल्लाह सोने के हवाले अल्लाह हाफिज अपने दोवे सब याद रखियो अजे भैन भावों अपने दोवे याद रखते हैं अल्लाह पाक जिनी मेरी यूट्यूब फैमिली देखने वाले अल्लाह पाक सब तंदुरुस्ती दे सेहत दे सुबह सुबह का टाइम अल्लाह ताला जो भी औलाद ने अल्लाह ताला ने नेक साल याद आ फरमाए जे मतलब बेरोजगार ने अल्लाह ताला नेक रोजगार सिला बनाए और जो बेघर ने अल्लाह ताला उन्होंने सीधी छत ता फरमाए तो अजकल जिमें कि हालात जा रहे हैं अल्लाह करे कि साढ़े पाकिस्तान हुक्मरान अच्छा आए महंगाई थोड़ी जी कम हो बिजलिया के बिल गैसा के बिल बहुत ज़्यादा और एक उपरों महंगाई भी बस अल्लाह खैर करे तो लेकिन शिकवत नहीं कर सकते किसी नाल भी हर बंद की अपनी मर्जी है लेकिन अल्लाह खैर करे तो ज़्यादा चाहोंगे जी अल्लाह सोने के वाले अल्लाह हाफिज़।